रुबेला संग्रहालय से ठीक समीप मस्तानी महल में। इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा सन 1696 में कराया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात है, मस्तानी बाई महाराजा छत्रसाल की मुंह बोली बेटी थी। मस्तानी बाई अपनी सुंदरता एवं नृत्य कला के द्वारा पहचानी जाती थी। जब बंगज खान ने बुंदेलखंड में आक्रमण किया, उस समय महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को पत्र भेजा और पेशवा बाजीराव यहाँ पर बंगज खां के द्वारा जंग करने के लिए आए थे। उस समय मस्तानी भाई से प्रथम मुलाकात में पेशवा बाजीराव मस्तानी भाई को पसंद करने लगे थे। तो उस समय यही महल है जिसके सामने मस्तानी भाई और पेशवा बाजीराव का विवाह संपन्न हुआ। आइए हम चलते हैं इस महल के अंदर और जानते हैं इस महल की रोचक कथाओं के बारे में। हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले हम आपको मस्तानी महल के दरवाजे पर लगे हुए इस बोर्ड के बारे में बताते हैं, जिस पर लिखा हुआ है, इस सुंदर महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा लगभग 1696 ईस्वी में आप प्रीतम सुंदरी नृत्यांगना मस्तानी के लिए करवाया था। बाजीराव पेशवा बंगज खां पर विजय के पश्चात यहां आए एवं मस्तानी से विवाह किया। दोस्तों यह एक सत्य जानकारी इस बोर्ड में लगी हुई है। दोस्तों हम सामने देखते हैं एक बेहतर सुंदर महल दिखाई दे रहा है। यही महल, इसी महल को लोग मस्तानी महल बोलते हैं। क्या सुंदर ऊपर की तरफ घोड़े डिजाइन में बने हुए हैं, कितनी सुंदर छटा, दूर से कितना सुंदर महल लग रहा है। बगल में ऊपर की तरफ झरोखा, जहां से मस्तानी बाई बाहर की तरफ ऊंचाई से देखा करती थी। अब हम पास में आपको यह झरोखा दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर झरोखा, यह ऊपर का झरोखा। हम अब महल के भीतर मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं। हम अंदर जाते हैं, हम देखते हैं यह सुंदर, यह लंबा एक कमरा टाइप का है, ये छोटी छोटी अलमारियां, यह सुंदर दीवाल, यह सुंदर दीवाल में अलमारियां, यह सामने की अलमारी, यह हॉल, यह आंगन में जाने का रास्ता। हम आंगन में जाते हैं, क्या सुंदर आंगन, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। यह बड़ा सा सुंदर आंगन क्या इतिहास गा रहा है, यह दरवाजे, यह सुंदर गुंबद। हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, ऐसा ही सुंदर गुंबद हमको महाराजा छत्रसाल के संग्रहालय में देखने को मिला और ऐसा ही सुंदर गुंबद हम आपको छतरपुर में बने हुए महल में दिखाएंगे और ऐसा ही सुंदर गुंबद मस्तानी बाई के महल में बना हुआ है। कहा जाता है महाराजा छत्रसाल ने अपनी दत्तक पुत्री मस्तानी बाई के लिए यह गुंबद बनवाया था। दोस्तों हम पहले फ्लोर मतलब पहले तल पर आ चुके हैं। यह सुंदर, यह एक पहले तल पर कमरा बना हुआ है जिसके अंदर हम जाते हैं। हम देखते हैं कितना सुंदर कमरा, जिसमें छोटी छोटी अलमारियां, यह बड़ी अलमारी। हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, हमको एक वही आंगन दिखाई देता है। हम चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ यह महल की सुंदरता। यह महल वही महल है जिसने कभी पेशवा बाजीराव और रानी मस्तानी का विवाह यहाँ पर संपन्न कराया। क्या वह समय होगा, यह महल साक्षी है, यह आकाश साक्षी है, जिसने कभी मस्तानी बाई को यहाँ पर देखा और मस्तानी बाई भी इस महल में घूमी, इस महल में रही। पेशवा बाजीराव यहां पर आए। कहा जाता है कि बंगज खान ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर दी थी और एक विशाल सेना के साथ यहां पर आया था। तब महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को संकट में देख करके पेशवा बाजीराव को एक गुप्त पत्र लिखा। परिणाम यह हुआ कि पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड की रक्षा हेतु यहां पर आए और पेशवा बाजीराव की सेना बंगज खान की सेना पर टूट पड़ी। परिणाम यह हुआ
पेशवा बाजीराव ने बंगज खां को हरा दिया। वो हरा ही नहीं दिया, बंगज खां को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पेशवा बाजीराव ने बुंदेलखंड की रक्षा की। जब पेशवा बाजीराव छत्रसाल महाराज से मिलने आए, तब महाराज छत्रसाल की दत्तक पुत्री मस्तानी बाई को देखते ही मस्तानी बाई पर मोहित हो उठे। महाराज छत्रसाल चूंकि पेशवा बाजीराव के कर्जदार थे, अतः उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पेशवा बाजीराव के साथ इसी महल में किया। दोस्तों, बगल में हम देखते हैं छत से हमको वही संग्रहालय दिखाई दे रहा है जिसको हमने कल दिखाया था, जिसको छत्रसाल संग्रहालय बोलते हैं। दोस्तों, हम अब नीचे की ओर सीढ़ियों से जाते हैं, पुनः उसी आंगन में पहुंचते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं। हम देखते हैं क्या पिलर है, क्या डिजाइनिंग है। जब इन पिलर पर रंग किए जाते होंगे तो कितना अच्छा महल होता होगा। हम एक और छोटे से कमरे में जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इन कमरों में छोटे छोटे जो बाहरी तरफ अलमारियां हैं, दोस्तों पहले के समय बिजली नहीं हुआ करती थी तो इन छोटे छोटे घरों को इस प्रकार बनाया जाता था कि सूरज का प्रकाश डायरेक्ट कमरों में आए और कमरे प्रकाशित हों। दोस्तों, सायं के लिए कमरों में छोटी छोटी अलमारियां बनाई जाती थीं जिस पर सायं के समय दिए रखे जा सकें। दोस्तों, यह आंगन से लगा हुआ यह हॉल है। कहा जाता है मस्तानी बाई यहां पर बैठा करती थीं। दोस्तों, यह आंगन, यह ऊपर की ओर कितनी सुंदर छटा हो गई। जब इस महल पर कलर किए जाते होंगे कितना सुंदर लगता होगा। क्या वह समय होगा जब मस्तानी बाई यहाँ पर रहा करती थी, क्या वह समय होगा जब मस्तानी बाई का विवाह छत्रसाल द्वारा इस महल में पेशवा बाजीराव के साथ संपन्न कराया गया होगा। दोस्तों, यह दीवालें, यह आंगन, यह आकाश, इस सभी कार्यक्रमों का प्रतीक है जिसने कभी मस्तानी बाई का विवाह यहाँ पर संपन्न होते देखा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यह वही महल है जिसमें मस्तानी बाई रहा करती थी और आज इसको मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है, जो ठीक महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के बाजू में है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जब भी आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले आए तो छतरपुर से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर धोबेला स्थित है। यह महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है और महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के ठीक बाजू में मस्तानी महल है। आप यहां पर आए और मस्तानी महल को जरूर देखें। दोस्तों, अब सायं का वक्त हो रहा है, हम अब छतरपुर की ओर चलते हैं। वहां हम एक छोटे से कार्यक्रम में जाएंगे और उस कार्यक्रम के पश्चात हम आपको, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में एक अच्छे मंदिर में, शिव मंदिर में अखंड रामायण धुन अर्थात अखंड सीताराम धुन चल रही है जो सायं के समय विशेष रूप से होती है, हम वहां पर भी आपको ले चलेंगे। आप सभी को प्रणाम, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक और आग्रह, अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, हम आपको आगे, आपको इस धुबेला, इस मऊसानिया में आपको बहुत सारे महाराजा छत्रसाल को लेकर स्थान है। हम आपको अगले दिन और अगले दिन हर प्रत्येक स्थान पर ले चलेंगे। आप बने रहिए इस ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।